ना होने से ग्रामीण हुए परेशान। सड़क बनवाने के लिए लगातार 3 वर्षों से लग रहे ब्लॉक व तहसील परिसर में चक्कर, फिर भी नहीं खुल रही है सरकार के आला अधिकारियों की नींद। ग्रामीण हुए चिल्ला चिल्ला कर परेशान। मौदहा हमीरपुर, मौदहा विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत गऊघाट छानी व भुलसी खदान के गाँव बीच बरस तवा डेरा नाम से जाने वाले पुरवा में कोई मुख्य सड़क का निर्माण न होने के कारण यहाँ के लोग दलदल भरी सड़कों से गुजरने के लिए मोहताज हैं। ग्रामीण का कहना है कि इसके लिए हम लोगों ने कई बार ब्लॉक प्रमुख व तहसील दिवस में शिकायत पत्र भी दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी आश्वासन देकर टाल दिया गया कि सड़क बनवा दी जाएगी। जबकि ग्रामीणों का कहना है कि 3 वर्षों से हम लोगों को सड़क बनाने के लिए बाधे तो बहुत मिले, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं यहाँ पर नहीं शुरू हुआ है। गांव वालों की माने तो अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो यहाँ एम्बुलेंस तक नहीं पहुँच सकती, ना कोई उसे मरीज को अपनी निजी साधन से ले जा सकता है। इतनी बुरी हालत है, जबकि सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि गड्ढा मुक्त अभियान के अंतर्गत सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करा दिया गया है, लेकिन गाँव घाट छानी व भुलसी गाँव के बसा सरदवा डेरा गाँव के लोग आज भी सड़क के बिना दलदल भरी जिंदगी में जीने को मोहताज है। क्या नाम भैया आपका? जी साहब, मेरा नाम अरुण कुमार है जी। क्या दिक्कत है? दिक्कत साहब, यहाँ सड़क की दिक्कत है, ये बड़ी दयनीय दशा की सड़क है। मैं इसी बस्ती का रहने वाला हूँ, परसदवा डेरा नाम की ये बस्ती बसी हुई है जो छानी गऊघाट से भुलसी संपर्क मार्ग के मध्य में बसी हुई है। ये छानी से कितने दूर पड़ता होगा? छानी से 3 किलोमीटर दूर है और भुलसी से भी 3 किलोमीटर दूर, यानी कि दोनों के मध्य में बसी हुई है। इस बस्ती के बसे हुए लगभग 30 साल हो गए, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का विकास नहीं किया गया है। तो क्या कोई नेता है, कोई आया नहीं अभी यहाँ पर? नेता केवल वोट के नाम पर आते हैं, वोट लेकर के चले जाते हैं, बाकी हम गरीब मजदूर लोगों की समस्या का समाधान सुनने यहाँ कोई नहीं आता। हम कई बार तहसील स्तर में कंप्लेन भी कर चुके हैं, प्रशासन से मांग भी कर चुके हैं सड़क के लिए। इस सड़क की इतनी खराब दुर्दशा है कि यहाँ पर पैदल यात्री भी नहीं चल सकता। आकस्मिक अगर कोई घटना दुर्घटना या बीमार कोई व्यक्ति हो जाता है जी, तो यहाँ पर ना ही तो 112 नंबर की गाड़ी आ पाती है, ना ही तो एम्बुलेंस आ पाती है, जिससे बीच रास्ते में ही मरीज दम तोड़ देते हैं। फिर आप ब्लॉक लाग में गए कभी? ब्लॉक के और मंगल दिवस में भी कई बार एप्लीकेशन दिया है। वहाँ क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन ये मिला था कि बहुत जल्द ही सड़क का निर्माण कराया जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो गिट्टी भी नहीं पड़ी है एक भी। कितने दिन हो गए आपको गए हुए ब्लॉक में या तहसील में? लगभग 3 साल से ये प्रोसेस चल रहा है, कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हुई है, और हम प्रशासन से ये मांग करेंगे कि सरकार जो है गड्ढा मुक्त अभियान चला रही है, परंतु यहाँ पर जो है एक भी गिट्टी नहीं पड़ी हुई है। यहाँ पर आबादी लगभग 550 से ज़्यादा होगी, और हम यही प्रार्थना करेंगे साहब आपसे या आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी समस्या का निदान किया जाए। आपका बाबा क्या नाम है? हमारा नाम दुलाल वर्मा जी है। क्या समस्या है बाबा? हमारी समस्या यही है साहब कि सड़क नहीं बन रही है, और घास काटने में काटने जाते हैं तो बोझ लेकर जाते हैं, ट्रकों से हैल हैल कर जाते हैं साहब। यहाँ जो है बहुत बुरी समस्या है। ये बाबा छानी से कितनी दूर पे है ये डेरा जो बसा हुआ है? छानी से 3 किलोमीटर है साहब। रास्ता कोई नहीं है? कोई रास्ता नहीं, रास्ता है कच्ची रास्ता है। फिर क्या रास्ते में कीचड़ है, पानी भरा हुआ है? कीचड़ है, पानी भरा हुआ है, बहुत मतलब कीचड़ है। घास लेकर जाते हैं, औरतें जाती हैं यहाँ से, ट्रकों से हैल हैल कर जाती हैं। फिर क्या जैसे कोई मरीज बीमार हो जाए आपका? कोई मरीज बीमार हो गए तो वो पड़ा रहता है। और अमित कुमार, लोकेशन मोदहा।